फैमिलीघर में आ गए, अभी जाना है, देखते कहाँ पे जाना है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर शायद जाना है हम लोग को। वहाँ पे जाकर बता दें कि भाई हमारा राशन कार्ड चालू नहीं हुआ है, और भाई वहाँ से मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई सुबह से नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया, पर अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक में, फिर बाद में वहाँ से जाएंगे एडमिशन के लिए कॉलेज में। कि जो पिछला कॉलेज था मैंने वो छोड़ दिया है, अभी मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लूँगा, क्योंकि मेरा उसमें मन नहीं लग रहा था सिविल इंजीनियर की पढ़ाई में। तो अभी मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ, पता करने की एडमिशन चालू है कि नहीं चालू। बाद में जाऊँगा मामला दर अपना पहले वाला राशन कार्ड चालू कराने की, क्योंकि कल हम लोग राशन लेने गए थे, भैया ने बोला था कि आपका कार्ड बंद है, इसको चालू कराओ। तो अभी हम लोग जा रहे देखने कि भाई चालू क्यों नहीं हुआ, इतना एक दो हफ्ते से ऊपर हो गया फिर भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इस बैंक में आ चुके हैं, आधार कार्ड का दो जेरोक्स निकाला और चेक तो यहाँ पे गाड़ी में भूल गया था, अभी जा रहा चेक लेके ऊपर। इस समय बैंक में हूँ, टोकन नंबर 3 है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपको दिखाता हूँ टोकन नंबर 3। ओ सर उल्टा था, टोकन नंबर 3 है, अभी नंबर बहुत ज़्यादा है यार, पर अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है यार। तो गाइस अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा में से निकल चुके हैं, अभी सरदार भिला बैंक में आए, और बैंक ऑफ बड़ौदा से जो हम लोग ने पेमेंट लिया था तो टाइम लगा था, उतना टाइम हमें डिपॉजिट करने में लगा था पैसा, आधा घंटा भाई हम लोग लाइन में खड़े थे डिपॉजिट करने के लिए, और पीछे और भी लंबी लाइन लगती जा रही थी। अभी हम लोग जाएंगे कॉलेज, कॉलेज से इसके बाद में जाएंगे मामलागर में। अभी आर के देसाई में आ चुके, अभी पार्किंग में, और अभी ऑफिस में जाएंगे पूछने एडमिशन के लिए। आपको दिखा देता मामला दर कैसे दिखता है, ये हमारा वापसी का मामला दर है। हम लोग मामले दर में आ गए, अभी जाना है, देखते कहाँ पे जाना है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर शायद जाना है हम लोग को। वहाँ पे जाकर बता दें कि भाई हमारा राशन कार्ड चालू नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी है राशन कार्ड के लिए, भाई बहुत लोग का राशन कार्ड अभी बाकी है। और भाई कॉलेज तो गए, भाई इसमें कॉलेज गया था, वहाँ पर वो लोगों ने बोला कि अभी एडमिशन तो खत्म हो गया है, जून जुलाई में आओ तो आपका एडमिशन मिल जाएगा, ताकि जून जुलाई तक तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। जब तो हमें जेरोक्स कराना है राशन कार्ड का, तो जेरोक्स कराने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा, आपको दिखाता हूँ मैं। फाइनली गाइस जेरोक्स हो गया है, आज मालूम नहीं हर जगह भीड़ ही मिले, तो गाइस जेरोक्स हो चुका है, और उसमें से मेरे को मालूम नहीं था कौन सा वाला पेज काम का जेरोक्स वाला, पापा ने बोला इसमें उसको जेरोक्स करा देना, वो कर देगा जेरोक्स वाला, मालूम कौन सा पेज है, मैंने करा दिया है, 2 रुपये लगा, पापा गए राशन कार्ड चालू कराने, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे यार कॉलेज गया था, अभी 1 साल और वेट करने पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे अभी आधार कार्ड जेरोक्स कराने जाना, ये लोग एक एक चीज़ बताते हैं, अब वापस मेरे को लाइन में लगने पड़ेगा। वैसे मैं भी यहाँ पे आके बैठने वाला, जो मेरा लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होगा, और अभी जेरोक्स हो चुका है, अभी जा रहा हूँ वापस से नीचे, जेरोक्स हो चुका है, मैं यहाँ पे बैठा वाईफाई यूज़ करूँगा बैठे बैठे, भाई यहाँ पे वाईफाई फ्री है। तो गाइस हम लोग मामला दर्ज निकल चुके हैं, चनौती में आ चुके, यहाँ से मेडिकल से दवा लेना है पैर दर्द का, मेरा तो नहीं दुख रहा, पापा का करीब 1 महीने से पैर दुख रहा है, तभी उसका दवा ले रहे हैं, जाएंगे डॉक्टर को अपना पैर दिखाएंगे। और एक बात है जो आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँ, घर चल के बताता हूँ। घर पा चुके, चेहरा भी धो लिया, पूरा धूल से मिट्टी मिट्टी हो रही, मतलब एकदम पूरा चेहरा गंदा था, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे मिट्टी इसके जमी है चेहरे पे। तो आपको मैं वो बात बताता हूँ, ये कि यार मैं जब कॉलेज में गया था एडमिशन के लिए,
तो वो लोग बोल रहे थे जून या जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। मैंने घर पे बताया, मम्मी को बताया, तो मम्मी बोल रही है जो पहले वाला बाकी है कॉलेज में जो अभी चालू था उसको खत्म करने को मम्मी बोल रही है, लेकिन मेरा उसमें दिल नहीं लग रहा है। जब मेरा मन ही नहीं लग रहा है तो मैं इसको कैसे खत्म करूं। अभी मम्मी गांव से आती है तो फिर मैं आपको मैं बताता हूँ कि आगे मैं क्या करूंगा। तब तक मैं व्लॉगिंग चालू रखूंगा, और अभी खाना बनाना है, और खाना बनाया नहीं था क्योंकि हम लोग रोटी बना के चले गए थे और 2:30 बज चुके, जो कि अभी बहुत ज्यादा हो चुका है टाइम। हम लोग 11 बजे गए थे और अभी 2:30 बज चुका है, तो अभी बनाते या तो सोचा खिचड़ी रख दूं, खिचड़ी रख दूंगा उड़द की दाल की, फिर बाद में शाम को देखते क्या बनाएंगे। शाम के 6:10 हो गए तो हल्की हल्की ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा अपना ये नया वाला टोपी एक बार इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। लेकिन जब मैंने चेक किया ना भाई, सही में गाइस ये बहुत अच्छा है, मतलब इसका जैसा दिखावा है वैसे इसका काम भी है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली पैसे के लिए, पैसे इसमें खर्च के खाली दिखावा है, काम भी करता है टोपी। और जो मेरा पहले वाला टोपी है वो इससे कम अच्छा, मतलब उसमें ठंडी लगता है लेकिन इसमें ठंडी नहीं लगता है। तो गाइस ये देखो, ये मेरा पहले वाला है जो कि एक या 2 हफ्ता हुआ है, और ये मेरा नया वाला जिसके साथ में गले के लिए मफलर जैसे आता है गले के लिए, और ये टोपी और साइज में भी इससे बड़ा है ये वाला। ये पहले वाला जो है पुराना वाला, इससे साइज में छोटा है, जब इसको पहन के सोता ना तो ये निकल भी जाता है। ये भी अच्छा है एक टाइप से, इसको भी टोपी बना सकते हैं, लेकिन इसका यूजेस कुछ और है, इसका यूजेस कुछ और है। अब इसको भी यूज करूंगा भाई, ऐसा नहीं कि इसको यूज नहीं करूंगा, इसको भी यूज करूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं।